भगवान शंकर का जब आसन हिलने लगा, देखिए तब शंकर का आसन, तब शंकर का आसन डगमगाए, जान गए भोला ध्यान लगाए, क्रोध से पटके सर के बाल, जैसे क्रोध से सर के बाल पटकते हैं एक महावीर भक्त बनकर के तैयार हो गया और बोले जाकर समाचार लाओ जल्दी, जाकर समाचार लाओ जल्दी, लग रहा है अपशकुन होने वाला है, सती का क्या हुआ यदि सुन लो तो सृष्टि में कोई न बचने, यही डर से माँ आदिशक्ति को भय हुआ। काल संहार सारी शक्ति दे दी है, तीसरा नेत्र मां दी है, इसमें देखिए ब्रह्मा के पास तीसरा नेत्र है, विष्णु के पास है, इनके पास है, भगवान शंकर के पास, देखिए देख लीजिए सामने ना प्रत्यक्ष के प्रमाण, माँ के पास, तो माँ अपनी शक्ति किनको दे दे, शंभु को दे दे कि कर सकता है, और इतनी मेहनत से सृष्टि उत्पत्त की गई है, इतना जन्म प्रलय होगा तो क्या होगा, तुरंत जग जननी माता आशक्ति प्राण, जग जननी माता स्वरूप रूप कर डाली जी, शंभु को क्षमा कर, शंभु क्षम करे ऐसा युक्ति मैया बना डाली जी, फिर भी ध्यान में बैठे शंभु, जब मां शक्ति जैसे बदले भगवान शंकर ध्यान में हो गए और वीरभद्र से कहे कि जाओ देखो, जाओ देखो सती है क्या, क्या कर रही सती, सती आया तो नंदी बाबा गए ही थे, नंदी बाबा, आनंदी बाबा तो अपने खी खूर से और सिंह से अरलय परलय कर दिया, इतने में फिर विवाह आया आग्नि योग यज्ञ में जैसे डाला राक्षस पैदा होने लगे, दूत पैदा होने लगे, आज दूत पैदा होने लगे तो नंदी बाबा भी कम महाकराल रूप अका मुह जाकर दिखलाऊंगा, स्वामी जो काल कालेश्वर है उनको क्या बतलाऊंगा, जिस मां को मैं लेकर आया लाश न लेकर जाऊंगा, भले मेरा प्राण चला जाए पर वापस मैं ना, यहां पर दिव्यात्म है थोड़ा समझने की बातें हैं। अच्छा इसका इस कथा को सुने हैं, इस शास्त्र को सुने हैं, नहीं सुने शिष्टाचार्य आप इसको सुने हैं, अच्छा ठीक है तब चले, हम कैसे सुनो तो बंद करें, देखिए महाशक्ति बदलना देने जो शास्त्र से उठाएंगे।